नरेंद्र मोदी सरकार तेरी तानाशाही चलेगी, कौन सा अपराध है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और लॉकडाउन के प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन करने के कारण ये जो कार्रवाई की गई है, जो प्रदर्शनकारी थे जिसमें विधायक जी और उनके साथ में उनको गिरफ्तार करके दिए गए। कितने कितने लोग पूजा करें? ठीक। हम जा रहे ना, कौन सा रुपया हजारों किलोमीटर आगे बोल रहे हो, आपकी सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है, राहुल की बात पर हमको रोक रहा जाने से, बहुत खतरा बताइए, ये गोली मार दो हमको, बैठ रहे हम यही, बैठ जाओ, मार उठा लो, मारो आपको, आप हमें रोक रहे, हम शांति से जा रहे हैं, हम आपकी व्यवस्था नहीं बिगाड़ रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। आप नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, आप देखिए ना, लोग फांसी पे लटक रहे हैं भूख के कारण, ट्रेन की पटरी पे कट रहे हैं, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ तो ये मुद्दे तो सुन तो लीजिए, सुन दीजिए, ये मुद्दे हम चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, हम आपकी सरकार के खिलाफ, हम तो सिर्फ हमारा जो शांति गांधीवादी तरीके से जो हमारा आंदोलन हम जा रहे हैं चुपचाप, इसमें आपको क्या तकलीफ है? आप बताइए कौन सा कानून का उल्लंघन है? हमने पास लिया, हम पांच लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, शांति से हमारा जा रहे हैं। देखिए लॉकडाउन पास का उपयोग राजनीतिक, तो आप एक सुन तो लीजिए, देश के नागरिक होने के नाते लाखों करोड़ों मजदूर पैदल जा रहे हैं, किसान मर रहे हैं, इस तरह का दर्द है वो आत्मसात करने के लिए, जो भारतीय मोदी सरकार ने जो हजार हजार किलोमीटर चल के जो मजदूर मर रहा है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पश्चाताप करना चाहिए, इनको पश्चाताप करना चाहिए कि इस तरह की हरकत, और आज हमको लोकतांत्रिक तरीके से गांधीवादी तरीके से हम शांति से जा रहे थे कि मजदूर की बात को आत्मसात करने के लिए, जो तकलीफ है, दर्द है, उनका जो मर रहे हैं, ट्रेन पटरी में कट के मर रहे हैं, तो वो मोदी और शिवराज सिंह को जगाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन हमें रोका जाए। कहाँ से कहाँ तक? ये भगवान महाकाल मंदिर दर्शन करके भोपाल तक की यात्रा है हमारी, जाएंगे यात्रा। हाँ, पूरी परमिशन ले रखी है, मैंने अनुमति ले रखी है। पीले चावल शिवराज सिंह चौहान जी को देने जा रहे थे कि उज्जैन में 45 मौतें हो चुकी है इंदौर में, तो आप अभी तक आपके स्वास्थ्य मंत्री और आप आए नहीं हैं, तो क्या है ये? तो हमारे साथी विधायक मनोज चावला जी, अजीत सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, सोनू शर्मा, ये निजाम गाजी, रणछोड़ त्रिवेदी, हम सब लोग शांति से जा रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं किस तरह लोकतंत्र की, जो लोग कानून तोड़ रहे हैं, हम किसी से कहीं बोल नहीं रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर रहे, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे, तो आप देख लीजिए क्या स्थिति है। अगर मजदूरों का दुख दर्द बांटने की बात हो, आप देखें हमारी माँ है रोड पे बच्चों को जन्म दे रही हैं, और एक घंटे प्रसव के बाद 200 किलोमीटर पैदल चल रही है, और ये गूंगी बहरी केंद्र देश की सरकार और प्रदेश सरकार हमारे मजदूरों को, हमारे किसानों को जो मरने के लिए छोड़ दिया, तो ये मरने देना नहीं चाहते हम, बस ये बात रखने जा रहे हैं। हमारे मजदूरों की आज जो स्थिति हुई है, उस स्थिति को हम लोग सरकार को बताने जा रहे हैं। कई आपने देखा होगा, कई लोग ट्रेनों में कट गए, कई मानसिक तनाव के कारण भूख से मर गए, कई इन्होंने फांसी ले ली, पूरे मध्य प्रदेश से भी कई हजारों लोग जो अभी भी बाहर प्रदेशों में फंसे हुए हैं, लगातार उनके लिए उनकी फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि हमको यहाँ से निकाला जाए, लेकिन सरकार उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 2000 मजदूर जो मेरी अलोट विधानसभा से, 2000 लोग फंसे हुए हैं, और मैं लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि मेरे इन लोगों को यहाँ पर लाया जाए, लेकिन क्या कारण है कि जो एक मजदूर वर्ग है उसकी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है, उसी को लेकर हम लोग महाकाल से भोपाल तक हम एक न्याय यात्रा निकालने जा रहे थे, जहाँ की हमें पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ जबरदस्ती रोका गया है,
और पूरा जो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है केवल थोती बातें कर रहे हैं, मजदूरों की एक भी सुनवाई उनकी नहीं हो रही। इसी को लेकर इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग भोपाल तक की यात्रा कर रहे थे ताकि ये दर्द मजदूरों का दर्द हम सब लोगों को बता सकें।